हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। और ये आज है 14 जन, तो आज मेरे हैबी का बर्थडे है, तो मैंने कुछ डेकोरेट किया रहा है, बस ऐसे ही नॉर्मल सा सिंपल सा, जो भी है। कैसा लगेगा आप लोग को, आप लोग बताना जरूर मुझे। ये उनके लिए सरप्राइज़ है, तो चलो वो आने वाले, तब तक मैं फटाफट कैंडल ऑन कर लेती हूँ। ये आप लोग देखो, मैंने ये और जो मैंने गिफ्ट दिया था उनको, वो पहन के गए सेट, तो आएंगे तो मैं ज़रूर दिखाऊंगी आप लोगों को। तो चलो गैस, मैं मिलती हूँ थोड़ी देर बाद। बप्पी बप्पी चिन्ना जी, आप हमेशा यही मुस्कुराते रहे, खुश रहे। तो कैसा लगा आपको? बढ़िया लगा, बहुत अच्छी सजावट है। चलो बैठ जाओ। और ये सेट है इनका, नहीं सेट बहुत अच्छा लग रहा है, पहनने के बाद लगा कि हाँ कुछ डिफरेंट कलर है। ऑफिस में लोगों ने भी तारीफ की, गुप्ता जी आपने बहुत अच्छा सेट लिया है कलर का। आप क्या बोले? तो चलो गाइस, सब केक कट करते हैं। ये बेटू भी तैयार हो गया, मैं भी रेडी हूँ, तो चलो अब केक कट करती हूँ। गैस भी नहीं, बैठ के केक काट रहे हैं। बाबू भी बैठा हुआ है, दोनों गगन माँ से चल रहे हैं। तो वहाँ पे जो पेन दिख रहा है वो मेरा बाबू गिफ्ट किया है, और ये डब्बा मेरे हस्बैंड लेकर के आए हैं। तो ये ऑफिस से जल्दी आ गए थे, मैंने 1 घंटे में रेडी किया है सब कुछ फटाफट। सरप्राइज़ का मतलब सरप्राइज ही होता है। तो ये सेट जो पहन रखे ये मैं गिफ्ट की हुई इनको, इन्होंने शादी के पहले कभी भी बर्थडे किया था, जब से शादी हुई है तब से मैं इनका बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हूँ। और ये डेकोरेशन मैं कुछ कर रखी हूँ, देखो आप लोग। अब ये मुझे केक खिलाएंगे पहले। गाइस ये था मेरा छोटा सा बर्थडे सेलिब्रेशन, अपने हस्बैंड के लिए सरप्राइज़ की थी मैं, उनको कुछ आइडिया भी नहीं था, तो उसे डर लिया अचानक से आ गए। मुझे तो मतलब पता था आना तो है ही, मुझे पता ही था, लेकिन उन्होंने तुरंत फ़ोन, मुझे लगा 4 बजे तक आएंगे, बट वो 2 बजे तक ही आ गए। तो मैं बोली चलो अभी कर देती हूँ, रात में मज़ा बेकार हो जाएगा मेरा शाम तक, तो मैं बोली चलो अभी सेलिब्रेट कर देती हूँ, इसलिए मैं अभी सेलिब्रेट कर रही। सरप्राइज़ का मतलब होता है जब हस्बैंड घर में ना हो, उनके पीछे आप तैयारी करो तो उसे सरप्राइज़ बोलते हैं, अगर वो घर पे हो आप तैयारी करो तो उसे सरप्राइज़ नहीं बोलते हैं। तो इसलिए मैं बोली चलो अभी मैं 1 घंटा में सारा तैयारी फटाफट कर ली, डेकोरेट वगैरह जो भी करना था, बैलून फुलाया, जल्दी नहीं लगाया। तो बैलून आपने मेरा देखा ना, मैं कुछ इस तरीके से लगा दी, ठीक है जो भी है सिंपल सा, ठीक है। तो नाइट में मिलती हूँ मैं, तो मैं नाइट में मिलूँगी। नाइट में हम लोग बाहर जाएंगे डिनर करने के लिए, इन्होंने बाहर का प्लानिंग कर रखा है, वो कल ही डिसाइड हो गया था हम लोगों का कि वेदर ठीक रहा तो बाहर चलेंगे, अगर वेदर ठीक नहीं रहा तो बाहर नहीं जाएंगे, हम लोग घर पे ही कुछ ऑर्डर कर लेंगे। बट आज बाहर जाने का प्लानिंग है, वेदर सही हो चुका है। साइरस बहुत बदमाशी कर रहा है मेरा, बहुत ज़्यादा। तो चलो गैस मैं मिलती हूँ आप लोग से नाइट में, तो बाय बाय। तो हाय गाइस, तो मैं वापस आ चुकी हूँ और अभी नाइट हो रहा है, तो 8 बज रहा है, तो अभी हम लोग जा रहे हैं डिनर के लिए बाहर। तो मैं रेडी हो गई हूँ, मैं वो डाली हूँ क्या बोलते हैं, जीन्स और टी शर्ट, मैंने गाउन खोल दी थी आफ्टर में ही। तो अब हम जा रहे हैं, ठंड बाहर काफ़ी है, तो बाबू भी रेडी हो रहा है, ये भी रेडी हो चुके हैं। तो चलिए फिर मैं मिलती हूँ आप लोग से। यहाँ पे हम लोग रेस्टोरेंट आ चुके थे, जो घर के से थोड़ा सा दूर पे था, छोटी हवेली, तो हम लोग यहीं पे आए थे डिनर के लिए। तो पहले हम लोगों ने स्टार्टर मंगवाया था, तो उसमें मंगवाया था हम लोगों ने मशरूम चिल्ली, टमाटो सूप, ये हम लोगों ने ऑर्डर करा था पहले, और फिर हम लोगों ने डिनर लिया था। तो गैस आप लोगों को कैसा लगा मेरा वीडियो, तो आप लोग मुझसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। या मेरे हस्बैंड सर्व कर रहे हैं मशरूम चिल्ली, और हम लोगों ने डिनर भी ऑर्डर किया था, इसके बाद डिनर आना था। यहाँ छोटा सा हम वीडियो बना लिए थे, ज़्यादा नहीं, मुझे बड़ा अजीब सा फील होता है बाहर वीडियो बनाना, कि डिनर आ चुका है। तो चलो गाइस मैं मिलती हूँ आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, गुड नाइट। और नेक्स्ट
आगे आप लोग सारा फोटो एंजॉय कीजिए। बाय बाय।